धिम्मीपन एक प्रकार का मानसिक रोग है, ऐसी बीमारी जिसका संक्रमण केवल व्यक्तियों को नहीं बल्कि पूरे के पूरे समाज को हो सकता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अपने ही शत्रु की सहायता से अपनी मृत्यु के षड्यंत्र रचता है। केवल हिंदू ही धिम्मी नहीं होते, ये उपाधि दी ही गई थी यहूदियों और ईसाइयों को। उनका संकट कई मामलों में हमसे भी बड़ा और गंभीर है। पश्चिमी दुनिया में लोग तेजी से ईसाइयत छोड़ रहे हैं, पर उतनी ही तेजी से धिम्मी रिलिजन को पकड़ रहे हैं। 7 जुलाई वर्ष 2005 के दिन लंदन में 4 बम धमाके हुए थे, 56 लोग मारे गए थे। सामान्य लोगों की प्रतिक्रिया गुस्से और प्रतिरोध की थी, पर बहुत ही फुर्ती से वहां की लिबरल ब्रिगेड इस्लाम के बचाव में सामने आ गई। उसे हत्यारे ने नहीं बंदूक की गोली ने मारा टाइप मूर्खतापूर्ण तर्क ले आए। लोगों के आक्रोश को उसके वास्तविक कारण से दूर धकेल दिया गया। भटके हुए नौजवानों की मार्मिक कहानियां गढ़ी जाने लगी। इंग्लैंड में स्कूलों में एक विषय कंपल्सरी कर दिया गया जिसका नाम है फिलॉसफी, बिलीफ एंड एथिक्स। संक्षिप्त में इसे PBE कहा जाता है। इस सब्जेक्ट का मूल उद्देश्य बच्चों में सर्वधर्म संभाव या दूसरे शब्दों में कहें तो धिम्मी पना भरना था। उन्हें समझाया जाने लगा कि इस्लाम शांतिप्रिय मजहब है, और इस तरह से 4 बम धमाकों ने इंग्लैंड को ये पूरी तरह कन्विंस करा दिया कि इस्लाम शांति का संदेश लेकर आया है। लोग समझ ही नहीं पाए कि आतंकवाद और इस्लाम के बीच क्या रिश्ता है। आज के समय में आप इस्लाम के बारे में कुछ बोलकर चाहे सऊदी अरब या ईरान में बच जाएं, पर इंग्लैंड में लिबरलों के प्रकोप से नहीं बच सकते। वे आपको इस्लामोफोबिक बताकर मानवता और शांति का विरोध ही सिद्ध कर देंगे। भारत में हम जब भी हिंदुओं को कोई सबक देना चाहते हैं, उन्हें यहूदियों और इसराइल का उदाहरण देते हैं। देखो उन्होंने कैसे अपने मजहब और मातृभूमि की रक्षा की। लेकिन इसराइल के बाहर रहने वाले यहूदी अक्सर घनघोर धिम्मी होते हैं। तो इंग्लैंड के स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले PBE विषय में बताया जाता है कि कुरान कहती है कि अगर तुमने एक इंसान का कत्ल किया तो पूरी मानवता का कत्ल किया, और अगर एक इंसान की जान बचाई तो पूरी मानवता की जान बचाई। लेकिन इस आयत से ठीक बाद वाली 2 आयतें PBE की पुस्तकों में नहीं पढ़ाई जाती। आयत संख्या 33 बताती है कि जो भी तुमसे असहमत हो उनका कत्ल कर दो, या एक हाथ और दूसरी टांग काट दो। इसके बाद आयत 34 कहती है कि सिर्फ उन्हें ही रियायत मिलेगी जो उस धरती पर इस्लाम का कब्जा होने से पहले इस्लाम के साथ आए थे। जो आयत 32 बहुत अच्छी मानकर पढ़ाई जाती है, उसमें भी एक्सेप्शन है कि बदला लेने या इस्लाम की हुकूमत ना मानने पर किसी का कत्ल किया जा सकता है। यही झूठ पढ़कर इंग्लैंड और लगभग सारे यूरोप की नई पीढ़ी तैयार हो रही है। भारत में ये पढ़ाया तो नहीं जाता, लेकिन मीडिया, फिल्मों और साहित्य के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क में बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं या हिंदू धर्म के गुरु हैं, वे भी बड़े विश्वास से दावा करते मिल जाएंगे कि इस्लाम शांति की शिक्षा देता है और पैगंबर साहब का जीवन मानवता के लिए एक मिसाल है। एक धिम्मी का सच उसका अपना नहीं होता, सच की पुष्टि के लिए वो इस्लाम का मुंह देखता है। जो इस्लाम सुनना चाहता है वो वही बोलता है, वही उसका सच हो जाता है। मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार ये मानसिक रोग ही है। स्वयं को, अपने बच्चों को और अपने पूरे समाज को इस रोग से बचाएं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं।
हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।